नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न. तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि ये लाइट हाउस है जो कि शिप्स को अंडर वाटर रॉक से वार्न करने के लिए रेड कलर का लाइट सी में थ्रो करता है. अगर ये लाइट 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक शिप्स को वार्न कर सकता है और यहाँ पे ये 80 डिग्री के एंगल से स्प्रेड हो रहा है, तो फिर ये कितने एरिया के अंदर शिप्स को वार्न कर पाएगा. अब ये शेप जो 80 डिग्री में रे ऑफ लाइट को स्प्रेड कर रहा है, तो ये एक सेक्टर जैसा शेप है. तो अगर हमें इस एरिया का पता लगाना है जितने एरिया के अंदर शिप्स को वार्निंग मिल रही है, उसके लिए हमें इसका सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा. और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू बाई आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे आर है, पहले हम थीटा देख लेते हैं. यहाँ थीटा है 80 डिग्री और आर है जो 16.5 किलोमीटर. 16.5 किलोमीटर. तो अब हम पता लगाते हैं कि ये लाइट हाउस कितने एरिया के अंदर शिप्स को वार्न कर पाएगा. तो हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न, शिप्स आर वार्न इक्वल्स थीटा, थीटा हमारे पास है 80 डिग्री बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. 80 यहां हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 2, 4 से 9, सो 2 अपन 9, पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं. एंड रेडियस हमारे पास है 16.5 किलोमीटर, तो रेडियस स्क्वायर, तो 2/9 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 का स्क्वायर करते हैं, 16.5 का स्क्वायर. तो ये यूनिट प्लेस में 5 है, 5 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है. सो हम 5 स्क्वायर को अलग रख देते हैं, यहाँ 16 है, तो 16 को हम उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो इसमें भी एक ट्रिक है. मैं आपको जो जीरो मतलब 11 से लेकर 20 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं, मतलब आप कह सकते हो कि टिल 19 जितने नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है. ये ट्रिक है, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है 17, जैसे कि 17 में इसका यूनिट प्लेस आप प्लस कर दो तो आपको मिलेगा 23. साथ में एक जीरो लिखो और फिर दोनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 272. ओके, तो 16 और 16 का नेक्स्ट नंबर 17, तो आपको मिलता है 272 और 5 का स्क्वायर होता है 25. ओके, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन भी समझाते समय ये बताया था कि कोई भी 5 में, जैसे 5 वाले नंबर यूनिट प्लेस में अगर 5 हो, जैसे सपोज 65 है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 5 स्क्वायर है तो आप 6 ले लो और उसका नेक्स्ट नंबर ले लो, 6 7 42 और साथ में 5 स्क्वायर 25. ओके, आप 9 ले लो, 95 स्क्वायर करना है तो 5 स्क्वायर आप रखो, इधर 9 है तो 9 और नेक्स्ट नंबर 10, 90, 90 के साथ 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 9025. ये पैटर्न है, तो इसी पैटर्न को यूज करके हमने किया. पहले 16 लिया, 16 का नेक्स्ट नंबर 17, तो 16 और 17 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 272 एंड 272 के साथ हमने 25 लगा लिया तो ये बन गया 165 का स्क्वायर. अब इसमें एक डिजिट डेसिमल है तो स्क्वायर करने पर इसमें दो डिजिट डेसिमल आ जाएंगे, तो बन जाएगा 272.25 किलोमीटर. 9 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 27, उसके बाद है 2, बट 9 से 2 को तो डिवाइड नहीं हो सकता तो आप 0 ले लो. उसका नेक्स्ट डिजिट को इसके साथ इंक्लूड करने के लिए इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करो तो बन गया ये 22. आप 9 से 22 को करोगे तो 9 2 18, 22 से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 4 और 5 45, तो 9 से 45 को करेंगे तो 9 5 45. ओके, ये नंबर आता है. उसके बाद हम इसको 3.15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.15 के साथ, तो 3025 एंड 314. ओके, 525 100
एंड 5 3 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, एंड उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 325 75 300 339। अब ऐड कर देते हैं 5 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ पे, 4 यहाँ, 9। अब यहाँ दो डिजिट डेसिमल है, 3.25 में दो डिजिट डेसिमल है, यहाँ भी दो डिजिट डेसिमल है, तो ऑल टुगेदर 4 डिजिट डेसिमल्स। उसके बाद यहाँ बचा हुआ है 2 और यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है 94.9850। ओके, 2 मल्टीप्लाई करना है, सो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 200 2 5 10 2 8 16 17 1 in hand 2 9 18 19 1 in hand 2 4 8 9 and 2 9 18। ओके, यहाँ 4 डिजिट डेसिमल है तो आप यहाँ पे 4 डिजिट डेसिमल डालो तो ये आपको मिल रहा है। डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसे हटा सकते हो, तो आपको मिल रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मतलब ये हो गया एरिया जितने एरिया तक ये लाइट हाउस शिप्स को वार्न कर पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां पे आपको 6 डिजाइंस दिखेंगे, यहां पे 6 डिजाइंस है। अब इस सर्कल का रेडियस आपको दिया गया 28 सेंटीमीटर और ये सारे डिजाइंस जो है ये सेगमेंट है, क्योंकि कोई भी सर्कल अगर होता है और यहां पे कोई कॉर्ड होता है तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो ये पोर्शन होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ओके, और ये डिजाइन सेगमेंट्स पे बने हुए हैं और हमें इन डिजाइंस को बनाने का कॉस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहां पर जितने डिजाइन है इसका टोटल एरिया कितना होता है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है, डिजाइन का एरिया। देन हमारे पास रेट है, हम रेट मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन मिल जाएगा। अभी बात है सेगमेंट का, तो सेगमेंट का एरिया पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और पता लगाएंगे कि यहां पे एक डिजाइन का एरिया कितना है। उसके बाद यहां 6 डिजाइन है तो हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 6 डिजाइन का एरिया मिल जाएगा और उसके बाद हम रेट मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं, तो हम पहले करते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन थीटा हमारे पास है। ओके, यहां पे 6 इक्वल डिजाइन होने की वजह से सेंटर में जो टोटल 360 डिग्री होता है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो फिर एक पार्ट का जो हमें एंगल मिलेगा वो मिलेगा 360 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल पार्ट्स, तो हमें मिलेगा 60 डिग्री थीटा और रेडियस हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकाल सकते हैं, डिटेल्स हमारे पास हैं। तो थीटा जो फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। डिग्री हमारे पास है 60 बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 एंड रेडियस इज 28 स्क्वायर माइनस यहां भी रेडियस है तो 28 स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, थीटा इज 60 सो 60 बाय 2 इज 30 डिग्री एंड कॉस यहां पर भी 60 बाय 2, थीटा हमारे पास 60 है सो 60 बाय 2 30 डिग्री। दोनों में से हमारे पास रेडियस स्क्वायर कॉमन है तो रेडियस स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम कैंसलेशन कर सकते हैं तो 1/6 और 36 को कैंसिल किया 1/6, यहाँ पे 22/7 है और माइनस यहाँ साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। उसके बाद 28 स्क्वायर बाद में करेंगे, कैंसिलेशन करते हैं इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 11 आएगा सो 11 बाय 3 7 21 माइनस
root 3 का वैल्यू हमें यहां एडवाइस किया गया है कि 1.7 लेना चाहिए, तो हम root 3 पे वही लेते हैं 1.7 by 2 to the 4, okay? तो अब हम LCM लेते हैं इसका, 28 into 28, मैंने square को दो टाइम लिख लिया, अब LCM लेते हैं 21 into 4, 28, but हम 21 into 4 ही लिखते हैं, better रहेगा, and यहां आ जाएगा 4 into 11, 44, and 1.7 into 21, तो यहां पे 21 और 17 है, 7, 14, 21, तो यहां 753 वन डिजिट डेसिमल है, तो हमें मिलेगा 35.7, ओके, तो यहां पे हम 7 4s 7 3s कैंसिलेशन होता है, 4 और 4 भी यहां कैंसिल कर सकते हैं, तो जो आउटकम है उसे एक बार नोट कर लेते हैं, एरिया, सो एरिया में मिलेगा 28 ब्रैकेट में माइनस करते हैं 44 माइनस 35.7, इट इज 8.3 बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3, ओके, अच्छा ये एरिया निकल गया एक डिजाइन का, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो हम यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइंस, यहां आगे कंटिन्यू करते हैं area of 6 design, तो यहां 6 into the area of 1 design 28 8.3 by 3, okay, इसे calculate करते हैं, 3 से यहां 2 आएगा, okay, 2 and 2 into 28 is 56 56 into 8.3, so हम 56 और 8.3 63 18 153 15 16 86 48 and 4 in hand 85 40 40 plus 4 44, so 8 14 5 6 or yahan pe 4 4 6 4 8, okay, one digit decimal 464.8 cm². ये हमने 6 डिजाइन का एरिया निकाल लिया, अब यहां पे 6 डिजाइन को बनाने का क्या कॉस्ट है ये सवाल है हमारा, यहां रेट दिया गया है 0.35 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम अभी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन निकालते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस इक्वल्स ₹0.35 मल्टीप्लाई 464.8 cm², ये यहां यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, जबकि कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट का ही यूनिट आएगा, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, सो 464.83.35, सो 5844 बचा, 5420 20 plus 4 24 2 बचा 5 6 30 32 3 बचा 5 4 20 23 3 8 24 2 3 4 12 13 14 1 6 3 18 19 1 4 3 12 13, ये 0 8 6 12 6 1, तो 1 6 2 6 8 0, यहां पे डेसिमल है, यहां एक डिजिट, यहां दो डिजिट, ऑल टुगेदर 3 डिजिट, तो हमें यहां रिजल्ट मिल रहा है ₹162.68, ये है कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन, ओके, okay?